नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा राशियों की प्रकृति के बारे में कि कौन कौन सी राशियां चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां होती हैं और उनसे क्या पता लगता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, राशियों की प्रकृति, राशियों का स्वभाव। इसको हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी राशियां चर राशियां होती हैं, स्थिर राशियां होती हैं और द्विस्वभाव राशियां होती हैं। आपको मेरे राइट साइड में एक टेबल नज़र आ रही है। इस टेबल में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो 12 राशियां हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है चर राशि। अब चर राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं, यहाँ आप देखेंगे नंबर 1 लिखा हुआ है और एक के आगे लिखा हुआ है मेष राशि। तो पहली राशि मेष राशि होती है। फिर 4 नंबर की राशि मतलब कर्क राशि, 7 नंबर की राशि मतलब तुला राशि और 10 नंबर की राशि मतलब मकर राशि। ये राशियाँ चर स्वभाव की होती हैं। अब इनसे क्या पता लगता है कि अगर किसी जातक की चर राशि है तो उससे हम क्या पता लगेंगे। राशियों से व्यक्ति के स्वभाव का पता लगता है कि इसका स्वभाव कैसा है। तो जो चर राशि का जातक है उसके स्वभाव में चंचलता होती है, ये चंचल स्वभाव के होते हैं और इनमें निर्णय लेने की कम क्षमता होती है। ये लोग एक जगह पर बैठकर ज़्यादा देर कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर इनको कहा जाए कि आपको बैठकर ही काम करना है तो ऐसे लोग बेचैन हो जाते हैं। ये लोग बिना सोच विचार के किसी भी काम को करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत ही जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, अब बाद में उस निर्णय के लिए चाहे इन्हें पछताने पड़े। तो ये चर राशि के जातकों का स्वभाव होता है। अब उसके बाद आती है अगली श्रेणी स्थिर राशि की। स्थिर राशि से पहले चर राशि के बारे में एक बात बतानी और ज़रूरी है कि चर का मतलब होता है बहुत तेज गति से चलने वाला, जिसकी गति बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्थिर राशि की। स्थिर का क्या मतलब है? स्थिर का मतलब है मध्यम, मतलब उसकी गति मध्यम है या रुका हुआ है और उसकी जो गति है बहुत धीमी है। किस राशि के जो जातक होते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ये टेबल देख रहे हैं तो कौन कौन सी राशियाँ स्थिर राशियाँ होती हैं। यहाँ 2 नंबर की राशि मतलब वृष राशि, 5 नंबर की राशि मतलब सिंह राशि, 8 नंबर की राशि मतलब वृश्चिक राशि, 11 नंबर की राशि मतलब कुंभ राशि। तो 2, 5, 8, 11 ये राशियाँ स्थिर राशियाँ होती हैं। अब क्या होता है इन लोगों का स्वभाव, इस राशि के जो जातक होते हैं उन लोगों में स्थिरता होती है। ये किसी भी निर्णय को लेने से पहले बहुत विचार विमर्श करते हैं। ऐसे लोग अपनी बात के धनी होते हैं। इन लोगों को एक जगह पर बैठकर काम करना पसंद है। मान लीजिए कोई इनसे कहे कि आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है तो ये लोग उसमें असहज महसूस करते हैं, और इनको कहा जाए कि आप ऑफिस में बैठकर एक जगह बैठकर आप काम करें तो उसमें ये बहुत ही सहज महसूस करते हैं। इन लोगों के काम करने की
जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। जो काम चर राशि वाले जातक बहुत तेज गति से कर सकते हैं, वहीं ये स्थिर राशि वाले जातक उसी काम का बहुत धीमी गति से करते हैं। अब आते हैं तीसरी श्रेणी की तरफ, द्वि स्वभाव राशि। कौन कौन सी होती हैं राशियाँ? तीन नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि, छः नंबर की राशि मतलब कन्या राशि, नौ नंबर की राशि मतलब धनु राशि और बारह नंबर की राशि मतलब मीन राशि। इस तरीके से बारह राशियों को चर, स्थिर और द्वि स्वभाव में बांटा गया है। अब ये जो द्वि स्वभाव वाली राशि वाले जो लोग होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है? इनमें चर और स्थिर राशि दोनों के ही गुण और अवगुण मिलते हैं। ये लोग दो मन वाले लोग होते हैं। किसी भी निर्णय को जब लेना होता है तो ये बहुत ही अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को दो राह पर ही खड़ा पाते हैं। हालांकि इनमें एक गुण भी होता है कि ये किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अगर बच्चों के साथ हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे, उनमें घुल मिल जाएंगे, और बड़ों के साथ हैं तो बिल्कुल बड़ों की तरह ही व्यवहार करते हैं। ये कोई भी काम जल्दी भी कर सकते हैं और धीमी गति से भी कर सकते हैं, और ये किसी भी काम को करने से पहले विचार भी कर सकते हैं और विचार नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको राशियों के स्वभाव के बारे में बताया। आशा करता हूँ इससे आपको राशियों के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए बहुत सारे नियम हैं, और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए किसी भी जातक की कुंडली देखकर उसका फलित किया जाता है, उसको उपाय बताए जाते हैं। मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को ज्योतिष के जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।